ऐसे देखने लग जाते हैं जब वीडियो बनाता हूँ तो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग आए हुए हैं अपने गांव में एंड मैं और काशु आप लोगों का कारबीस्ट में स्वागत करते हैं। ये मेरा गांव है और आज जहां मैं आया हुआ हूँ यहां हम आज थोड़ी सी पूजा करने के लिए आए हैं। इसको बोलते हैं बाबा डिखड़वाला। बाबा डिखड़वाला यहां पर हमारी पूजा लगती है, ज्योत वगैरह लगती है। और एक्चुअल में ये मंदिर है, ये इधर ये पीछे की तरफ मंदिर है और उधर और उस साइड पीछे की तरफ अखाड़ा है, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं बच्चे। और ये बरगद बहुत पुराना है, तकरीबन कई सौ साल पुराना बरगद है ये। कैसा लग रहा है काशु? काशु आज अजीब तरीके से देख रही है क्योंकि काफ़ी दिन बाद ये बाहर निकली है। और ये देखो ये नज़ारा इधर, इसको बोलते हैं जोड़। थोड़ा सा अभी पानी गंदा सा हो गया इसका, अदरवाइज़ जब थोड़ा बारिश का टाइम आता है ना तो उस टाइम पे बहुत ही बढ़िया हो जाता है। ये देखो बत्तखें बैठी हुई हैं। और ये हमारा ना कम से कम कई सौ साल पुराना ये पेड़ है, ये बहुत बड़ा पेड़ है, बड़ का बरगद का पेड़ बोलते हैं इसको। और भाई ये देख लो कुआ, देखो ये कुएं में पानी ऊपर आया हुआ है। अभी ये पानी ऊपर आया होगा, मतलब जब बारिश कम होती है ना तो ये पानी है ना बहुत नीचे चला जाता है, बहुत ज़्यादा नीचे। पिछले साल भी बहुत नीचे था पानी, अभी मतलब पानी का प्रेशर मतलब ठीक है इसका मतलब। क्यों काशु? ये दोस्तों ये हमारी हवेली का पार्ट है और ये 1/4 है। इसके अंदर अंदर उसके अंदर जैसे रूम, इस कमरा, कमरे के अंदर कमरा, इस तरीके से ये बहुत बड़ी है। और ये ऐसे 5 पार्टों में थी। ये एक जो मेरे फादर हैं उनके जो भाई हैं उनके एक में से जिसका हिस्सा था तो ये उनके पार्ट की है। और जब हम दिवाली होली पर आते हैं तो यहाँ एक मेन जो है ना इस तरीके से चौक हुआ करता था, बैठक हुआ करती थी, तो यहाँ हमारी ज्योत वगैरह लगती है, हमारी आस्था है। तो पूरा परिवार में एक बहुत ही बड़ा परिवार था और सारे इस तरीके से यहाँ इकट्ठे हुआ करते थे। तो दैट वाज ए ह्यूज उस टाइम पर। इनकी दीवारें भी है ना कम से कम 2-2 फुट चौड़ी तो इनकी दीवारें हैं, इतनी पुरानी हवेली है। अब इससे आइडिया लगा सकते हो ये पत्थरों से, देखो ये पत्थर पर, ये पत्थर जो, और ऊपर जब बिल्कुल इसके ऊपर जाते हैं तो जैसे वो बड़े बड़े पत्थर नहीं होते उबड़ खाबड़ टेढ़े मेढ़े, तो उस टाइप के पत्थरों की जो है ना ये बनी हुई है। बाकी इट इज़ टू मच ओल्ड। और वैसे तो देखा जाए तो ये एक ऐतिहासिक चीज़ है, इसकी देख रेख इसको संभालना चाहिए, बट नोबडी डू दिस। तो अभी बाहर चलता हूँ, थोड़ा बाहर से भी दिखाता हूँ आप लोगों को हवेली कैसी है। तो होपफुली मेरा गांव का टूर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पा रहा क्योंकि मेरे को थोड़ी सी शर्म भी आ रही है इधर गांव वालों की वजह से, क्योंकि सब सोच रहे हैं कि ये क्या वीडियो बना रहा है इस तरीके से। तो बट यस आई एम डूइंग। तो ये बाहर से एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे। ये देखो ये हवेली, ये बाहर से ऐसी दिखती है हवेली टाटल। बहुत कभी एक ज़माने में ना खूबसूरत हुआ करती थी। इट वाज सो मच ब्यूटीफुल एंड दिस इज बफेलो। सो आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी अबाउट 100 किलोमीटर्स ईच साइड, 100 किलोमीटर एक साइड का विजिट था, दैट इज दिल्ली टू रेवाड़ी झज्जर। तो 100 किलोमीटर का दायरा तय करके हम लोग गाँव से आ चुके हैं। अभी आ करके अभी जस्ट खड़ी करी है क्योंकि ये चीज़ इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। होप आई थिंक आप लोग भी जाते होंगे अपने गांव वगैरह में,
तो जाना चाहिए दिवाली पर, दशहरे पर, त्योहारों पर, क्योंकि अपनी मिट्टी को कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। होपफुली आप लोगों को वीडियो थोड़ा अच्छा सही लगा होगा। ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया क्योंकि गांव में लोग ऐसे देखने लग जाते हैं जब वीडियो बनाता हूँ। तो आई होपिंग के वीडियो ठीक ठाक होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जो है ज़रूर करें, इसको शेयर कर देना जितना हो सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।